वेलकम बैक टू शी स्टाइल शॉप। कैसे हो आप सब? तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक टोनर जो कि मेरा रीसेंट परचेज है, एंड मैं आपके साथ शेयर करूँगी उसका रिव्यू के कैसा लगा मुझे वो यूज़ करने के बाद। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्लॉसम कोचर का अरोमा मैजिक रोज़ हिप टोनर। तो ये जो टोनर है इसे मैं कुछ टाइम से अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे। पहले मैं यूज़ कर रही थी डाबर गुलाबरी का, एंड मैंने बायोटिक का भी ट्राई किया है टोनर, एंड दिस टाइम मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट ट्राई करती हूँ। रोज़ हिप के बारे में मैंने काफ़ी कुछ देखा एंड सुना उसके बारे में, रोज़ हिप के काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इस वाले जो अरोमा मैजिक का रोज़ हिप टोनर है इसको ट्राई करती हूँ। तो दिस इज़ द ब्लॉसम कोचर अरोमा मैजिक रोज़ हिप टोनर विच सूथस द हाइड्रेट स्किन फॉर ड्राई स्किन। बेसिकली ये ड्राई स्किन के लिए है। मेरी स्किन ड्राई नहीं है बट मेरी स्किन पे काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, तो मुझे काफ़ी पसंद आ रहा था इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसको। एंड ये 100 ml की क्वांटिटी इसमें मिलती है और इसका प्राइस है गाइस 140 rupees। वैसे मैंने इसे 140 में नहीं लिया था, डिस्काउंट में मैंने इसे परचेस किया था, नायका हॉल में मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ। तो इसे मैंने परचेस किया था कुछ और कम प्राइस में। जो भी प्राइस होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी डाल दूंगी एंड इसका प्राइस एक्चुअल प्राइस भी आपके साथ शेयर कर लूंगी। रोज हिप टोनर इज द एसेसरी फ्रूट ऑफ रोज प्लांट एंड इसके अंदर विटामिन सी, विटामिन ई एंड विटामिन बी होता है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करता है। टोनर हमारी स्किन में हम जरूर स्किन केयर में हमें ज़रूर ऐड करना चाहिए। अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आप चूज़ करिए एंड ज़रूर अप्लाई करिए। तो रोज़ हिप टोनर जो होता है ना वो इस तरह का रोज़ प्लांट का जो फ्रूट होता है ना उससे बनाया जाता है, ये रोज़ हिप उसको बोलते हैं। तो जो रोज़ होता है ना उसमें आपने देखा होगा एक छोटा सा फ्रूट होता है, फ्रूट इन द सेंस जब सारे पत्ते हटा दो तो एक छोटा सा वो बचता है ना बीच में जिसमें कुछ सीड्स होते हैं, जब हम उसे पूरा ओपन कर लेते हैं तो अंदर कुछ सीड्स होते हैं, छोटी सी बीच में जो वो फ्रूट टाइप का होता है वो होता है रोज़ हिप टोनर, उससे बनाया जाता है। वो रोज़ प्लांट का फ्रूट होता है उससे बनता है रोज़ हिप, एंड उसी से उसी में ही विटामिन सी, विटामिन ई एंड विटामिन बी होता है जो हमारी स्किन पे वर्क करता है। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं रोज़ हिप में जो कि हमारी स्किन के लिए काफ़ी सही रहता है, एंड अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम्स है तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप सिंपल डाबर गुलाबरी रोज़ वाटर लगा सकते हो, बट अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो ये आपकी स्किन पे काफ़ी अच्छा वर्क करेगा। तो मैं इसको रिकमेंड करूँगी कि आप इसे ले सकते हो, अपने स्किन केयर में ऐड कर सकते हो। बेसिकली हम स्किन केयर जब करते हैं तो टोनर अप्लाई करते हैं, तो एक्ने प्रोन स्किन है अगर आपकी तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई करो, अदरवाइज कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी इसको लगा सकते हैं। आपको दिखा देती हूँ कि इसे अप्लाई कैसे करना है। तो आपको अपने फेस को पहले वॉश कर लेना है फेस वॉश से, देन आपको इस तरह से इसे ओपन करना है एंड अपने फेस पे इस तरह स्प्रे करना है, अपनी आईज को क्लोज करके करना, आईज में जाएगा तो इरिटेट करेगा। तो बस इसी तरह से स्प्रे करने के बाद आपको अपने फेस को डैप डैप करके छोड़ देना है नेचुरली, मतलब ऑटोमेटिकली ड्राई होने के लिए। जब अपने आप ड्राई हो जाएगा उसके बाद आप कोई मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हो। दैट्स इट, इसी तरह से इसे अप्लाई करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, यही था मेरा बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट रोज हिप टोनर। मुझे इसका एज सच बहुत अच्छा इफेक्ट भी नहीं लगा, लेकिन मुझे ये बिल्कुल ख़राब भी नहीं लगा, क्योंकि टोनर हम अपने स्किन केयर में ऐड करते ही हैं, तो मैं इसे एज अ टोनर लगा रही हूँ बस। इसकी फ्रेगरेंस जो है वो बिल्कुल रोज़ वाली जो फ्रेगरेंस होती है जो नॉर्मल गुलाब जल में होती है बिल्कुल वैसी है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और ऐसे यूजफुल वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।